हवेली में पकौड़ा बना है। काय? आपके लिए कोई लाया नहीं का? अब नहीं तो? हम सोचे लाए होंगे। अब वो लोग भी का करें? सारा ध्यान तो उच रही अपने ऊपर ले लेती है, अपने काम से उसे संतोष नहीं, बदले में बहुत कुछ चाहिए उसे। हाँ, वो कह तो रही थी हमसे कुछ, जैसे बताई थी ना आपकी यहाँ तक कह रही थी। कायदे से वो कहा कह रही थी हमने समझ में तो नहीं आया, लेकिन कह रही थी कि दहलीज पार करके शादी की पवित्रता को भंग नहीं करना चाहती, परेम सरेम होना जाने काका। का? सत्यानाश, ये सब कह रहे थे? कौन गड़बड़ है का? हाँ देख, गड़बड़ तो नहीं, वो कहा है ना कि आप तो भरे घर की लड़की हैं, कितनी सुंदर है, आपको ये छोट जात छोट पात क्या मतलब, लेकिन वो अपना दर्जा परिवार में ऊपर करना चाहती है। वो चाहती है कि बबुआ जी की जिंदगी में कोनो विधि से दर्जा हासिल करे। का मतलब? मतलब ये कि धीरे धीरे वो आपकी जगह ले लेगी। चंट तो है ही, सबसे पहले वो आपका कपड़ा लेगी, पहन लेगी, फिर आपका ये कीमती कीमती जेवर ये अड़प लेगी, और फिर आखिर में हो सकता है कि हमेशा के लिए आपका कमरा भी हथिया ले। तो नहीं, हम अपना कपड़ा अपना जेवर नहीं देंगे उसको। हाँ हाँ बिल्कुल, सब चीज आपका, अरे बीबी है आप उनकी। हाँ, उसका क्या मतलब? सही बात, बीबी है हम उनकी, इन सब चीजों पे हमारा कब्जा होना चाहिए। हाँ अब आप छूट की दुल्हन, अपने आप को तैयार कीजिए, हर चीज बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। लेकिन कहा सब चीज और कैसे? हम जैसा जैसा बोलते हैं समझाते हो, करो। बस हो गया। तो क्या आप ही सब खाओगी क्या दादी? दादी की नानी हमार भरत है, बाकी सबको भी तो देना होगा। तो दीजिए ना, हम सबको दे देंगे। अच्छा ठीक है, ये लो संभाल के। हाँ ठहरो, बस गिराना नहीं। सरकार, अभियो मन के भीतर बहुत नाराजगी भरी है का आपके? अरे थुकिए गुस्सा, और देखिए सब कितना बढ़िया तरीके से चल रहा है। आज नव की दुल्हन शेखर को हंसा डाली। अरे इससे पहले बबुआ को कभी इतने हवेली में हंसते हुए देखा था आपने? याद है कुछ? हूं तो जैसे अपनी हंसी ही भूल चुका था। फिर उसकी ई हंसी का क्या मतलब हुआ? मतलब गाड़ी पटरिया पे दौड़ रही है। हाँ बिल्कुल, और सब आपकी बदौलत हो रहा है। हाँ इसलिए आप हमारे साथ ढंग से पेश आया कीजिए, हमें वक्त आपसे बहुत ही खुश हैं।
लेकिन जरूरी नहीं कि ये खुशी जिंदगी भर बरकरार रहे। इसलिए थोड़ा संभल के लीजिए। दिल में थोड़ी खुशी लाइए। करना तो ही पड़ेगा जो दिमाग कहता है। दिल जो कहता है वो तो नहीं कर सकता ना। अरे कहाँ हो सब लोग? हाँ चलो आओ, जरूरी बात करनी है। ए रिदिया सिदिया तू भी आ जा। सुनो रणविजय, यहाँ आओ। कहे? हम अपनी मिल्कियत बांट रहे हैं बेटा। सालों से बचा के रखा था जो, वो नहीं चाहिए का तुमको कुछ भी? ठीक है, बताइए का है? बंस रोपना या जी बाबूजी। जा बाकी लोगों को बुला ला और हमारे कमरे में भेज दे। और सुन, औरतों को अभी मत बुलाना, उनकी मांग कुछ ज्यादा ही होती है। और हाँ, लोबा को भी नहीं, आके बेकार की बकबक करेगा। हाँ शेखर को बुलाना, तू लोग भी आ जाओ, सबके लिए कुछ ना कुछ है हमारे पास। हाँ चलो आओ, आओ तुम लोग आओ। बबुआ जी, बाबा जी सबको अपने कमरे में बुला रहे हैं, आपको भी बुलाया है। अरे कौनो चीज को हाथ मत लगाओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। तो का दोगे बुढ़वा बाबा? अभी बताते हैं। बुढ़वा बाबा आप इसमें से का दोगे? ये है तुम्हारे लायक कोई चीज। नहीं ये रखो, ये तो रत्ना के लिए है। लेकिन रत्ना बुआ तो गई अपने नानी गाँव। तो वापस आ जाएगी ना, तब दे देंगे। इसे कर दो किनारे। अरे हाँ जरा खोले इसे। क्या है माँ? खोलो तो। कौनो बाजा वाजा है का? ये रही तुम्हारे पसंद की चीज, अचानक मिल गई, बढ़िया है ना? हमने सोचा तुम्हारे जैसे आदमी के लिए ये चीज बढ़िया रहेगी, पसंद आएगी तुमको। लो चाचा भी आ गए, उनके लिए का है? बेटा इनके लिए कुछ नहीं हमारे पास, का दे इनको, सब कुछ तो है इनके पास, लेकिन इन्होंने कभी किसी चीज का सदुपयोग नहीं किया, आधी जिंदगी ऐसे ही बीत गई। अरे अब रहने भी दीजिए बाबा, का किया है इसने? कुछ भी तो नहीं, काहे शुरू कर रहे हैं आप, जाने दीजिए। जाने ही तो दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? ये
इनकी जिंदगी की गाड़ी का पहिया पटरी से उतर गया था तो क्या किया कोई? हम गलत कह रहे हैं तो बोलो, क्या किया अपनी जिंदगी में तुम? जरा हमारी ओर देखो, अपनी जिंदगी खत्म करके हम मुक्ति के मार्ग पे जाने वाले हैं। ये लिए सारी चीजें एक एक करके सबको दे रहे हैं। हमारे पसीने की कमाई है ये। तुम्हारे पास क्या है जिसे तुम अपना कह सकते हो? पूरी जिंदगी में अठन्नी तो कमाए नहीं, मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहे बस, या फिर बांसुरी बजा के समय बर्बाद करते रहे बस। कोनो मतलब का काम किए? जमींदार के बेटे कहलाते हो, लेकिन जमीन से कोई रिश्ता है तुम्हारा? तुम्हारे नाना जी अपने बगीचा के पीछे वाली जमीन तुम्हारे नाम करवाए, लेकिन तुमने कभी कदम तक नहीं रखे उस खेत में। खुद को बड़ा अच्छा समझते हो, कहाँ अच्छा हो जी तुम? हटो हमारे सामने से। बस रोपना, इधर आ। जी बाबा जी। ये सब तुम्हार है, उठाओ। रिद्धि सिद्धि चला। बाहर जा रहे का छोटे ठाकुर? पूछ सकते हैं का कि किधर जा रहे? ये तो हमें भी नहीं पता, बस जा रहे। हमको भी ले चलेंगे का? खाली मंदिर तक? क्यों, वहां कहाँ है? बस तनी जाने का मन कर रहा था। ठीक है। गाड़ी नहीं है यहाँ, कैसे जाएंगे? मंदिर पास नहीं कि पैदल चले जाएं, किसी और दिन चलना। पैदल नहीं चलना पड़ेगा आपको, साइकिल से नहीं चल सकते का? Thank you.
पूरे रास्ते ऐसे हमरे पीछे दौड़ती रहोगी का? धूप है ना छोटे ठाकुर। तुम पैदल हम साइकिल में सही नहीं लग रहा है। तो क्या करेंगे, मतलब और क्या कर सकते? चलो बैठो। रात से पहले मंदिर पहुंचना है, यही तरीका है। ये जरूरी है क्या? हमको कोनो दिक्कत नहीं है, आप साइकिल चलाइए, हम छाता पकड़ के बैठेंगे। संभाल के, कहीं धक्का लग गया तो यही छितरा जाएगा सड़ल कद्दू की तरह। सत्यानाश, हाँ कौन सा नया खेला शुरू किया रे? अब तो मुंह से भी बोलने लग गई। सड़क का कद्दू हम तुम्हारे मुंह पर ठूस देंगे तो हमारा भी नाम गंगा नहीं। ए चल रे।